सर, हायरिंग फ्रीज हो रही है, लेऑफ्स हो रहे हैं, रिसेशन आ गया है, करना क्या है सर? मुझे ये तो बताओ सर, मैं इस टाइम पे सेफ कैसे रहूँ? पहले मुझे बताओ, और मुझे बताओ ये लेऑफ्स होता क्या है, और क्या मैं सेफ हूँ? अभी मैं एक करंट कंपनी में काम कर रहा हूँ, क्या मैं सेफ हूँ इसके अंदर? और मैं कैसे सेफ रहूँ? मुझे करना क्या है सर? मुझे कोई नहीं बता रहा कि इस टाइम पे अगर मैं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हूँ या फिर मैं एक फ्रेशर हूँ, मुझे करना क्या है, मुझे नेक्स्ट स्टेप्स बताओ। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम अच्छे से जानेंगे पहले तो कि एक्चुअली में लेऑफ्स क्यों हो रहे हैं, क्यों बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, राइट, ये क्यों अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ इस समय रिसेशन के टाइम पे कर रही हैं, रिसेशन क्यों होता है, छोटे से उसमें जानेंगे, कैसे आप इसमें सेफ रह सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा, और मैं आपको पर्सनली अपने कुछ टिप्स बताऊंगा कि क्यों मैं समझता हूँ ये एक बेस्ट टाइम है लर्न करने का, स्किल्स लेने का, सर्टिफिकेशंस लेने का। ठीक है, और पूरा एक प्रॉपर रोड मैप बताऊंगा, एक रफ आइडिया आपको दूंगा कि कैसे आप एक सेफ रह सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि पर्सनल टिप्स हैं एंड में। वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर ये रिसेशन क्या चीज़ है। रिसेशन जनरली ऑफिशियली क्या होता है कि बेसिकली जब भी एक जनरल डिक्लाइन आ जाता है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। ठीक है, तो बहुत बार आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली यूएस की जीडीपी भी 2 बार नेगेटिव हुई थी, राइट। उसके अंदर क्या हुआ, ओवरऑल आर्थिक मंदी आ चुकी है मार्केट के अंदर। पर इससे क्या इफेक्ट क्या है, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। हमारी आईटी कंपनीज जो है ना, बहुत सारी, स्पेशली इंडिया के अंदर और एशिया स्पेसिफिक के अंदर, वो डिपेंड करती हैं यूएस के आईटी कंपनीज के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे मोस्ट ऑफ द कंपनीज जितनी भी हैं वहाँ पे, राइट, वो एक मार्केट हमारा जो है बिल्कुल मैच करता है, राइट। तो वहाँ पे क्या होने लगा है कि आफ्टर कोविड इफेक्ट्स होने लगे हैं। माइनस में जीडीपी होने का मतलब ही ये है कि वहाँ पे अब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना वो डिक्लाइन होनी शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से स्ट्रेट इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट्स में भी पड़ने लगेगा, राइट। इससे होगा क्या, इससे आपने नोटिस भी करा होगा, फ्रेशर्स की ओपनिंग कम हो चुकी हैं, एक्सपीरियंस की ओपनिंग्स भी बहुत ही रेयर चल रही हैं आजकल, राइट। बहुत सारी बिग टेक स्टार्टअप्स क्या करती हैं इस समय, क्या करती हैं, कोस्ट कटिंग शुरू कर देती हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स उन्होंने ले रखे होते हैं, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टर का पैसा लगा रखा होता है। कुछ ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जो अब रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कारण क्या होता है, उन प्रोजेक्ट्स को उन्होंने जाने देते हैं, वो अब उनको कट करना शुरू कर देते हैं इस टाइम पे, और अपनी एक वर्कफोर्स को लिमिटेड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ टाइम होता है, बहुत टाइम बाद हमेशा जनरली होता है। रिसेशन के टाइम पे लेऑफ्स होना बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, बहुत बार होता है, ठीक है। जैसे कोविड के टाइम पे भी हमने देखा था बहुत सारे लेऑफ्स हुए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन यही आता है जो मेरे को आप जानना चाहते हो, राइट, कि मैं कैसे सेफ रहूँ इसके अंदर, ठीक है, और क्या मैं सच में सेफ रह भी सकता हूँ। मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ कि अभी मैं ना रिसेंटली एक इंटरव्यू देख रहा था यूट्यूब के अंदर, उसमें बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉयज जो है बेसिकली फायर हुए, राइट। पर मैंने उसमें क्या देखा कि उसमें उस इंटरव्यू में उन्होंने सिंपल से बोला कि हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, राइट, जिस प्रोजेक्ट में हम प्रॉपरली काम कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट अच्छे से काम कर रहा था। आई मीन उनकी परफॉर्मेंस, खुद की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, पर प्रोजेक्ट की ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, और उस वजह से उस प्रोजेक्ट को उन्होंने क्लोज कर दिया, और माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे बंदों को लेऑफ्स भी किया, राइट। तो सिमिलरली ट्विटर में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए भी यहाँ पे आपने देखा होगा कि लेऑफ्स हुए हैं, राइट। तो ओवरऑल मैं आपको सच बताता हूँ, ये इसकी रियलिटी आजकल कोई भी नहीं बता रहा है, पर ये सच है कि क्या हो रहा है, लेऑफ्स, और जब भी कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, राइट, जिसके ऊपर न्यू ट्राइज हो रहे होते हैं, राइट, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट कंपनी होती हैं जो एक नया फीचर ट्राई कर रही होती है और वो वर्क काम नहीं करता, पूरी की पूरी वर्कफोर्स जो उतने एरिया में होती है वो लेऑफ हो जाती है, मैंने बहुत बार देखा है, ठीक है। तो ये कॉमन प्रैक्टिस है, इसका ये मतलब क्लियरली है अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी भी है और आपका प्रोडक्ट काम नहीं और प्रोजेक्ट जो फीचर काम नहीं कर रहा ना, तब भी हो सकता है कि आप लेऑफ हो जाओ, तो यहाँ पे सेफ्टी नहीं होती है। अब मैं आपको ना प्रॉपरली बताता हूँ कि देखो, सिंपल नेगेटिव न्यूज़ तो बहुत हो गई, लेऑफ्स हो रहे हैं हमें पता है, पर करना क्या है, क्या करना है इसके चीज़ों पे, देखो देखो सिंपल बात, अगर एक फ्रेशर हो ना तो इस समय थोड़ा मोटिवेटेड रहो, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है लर्निंग ए स्किल। मैंने यहाँ पे अभी रिसेंटली भी इंटरव्यू भी लिया था शैलेश के साथ, और मैंने बहुत सारे अपने एचआर्स वगैरह के साथ डिस्कशन भी किया है। ये एक बेस्ट टाइम है लर्निंग करने का। लर्निंग मतलब है आपको इस समय अपने न्यू स्किल पे काम करना है। न्यू स्किल क्या हो सकता है कि अगर आप फ्रेशर हो, आप चाहते हो कि मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आना चाहता हूँ, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, अपने मैनुअल टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करो, अपनी एपीआई टेस्टिंग को, आईपीआई टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को सीखने लग जाओ, रोड मैप फॉलो करो, टॉपिक्स को पता करो, सर्टिफिकेशन लो, सर्टिफिकेशन भी ले सकते हो आप, राइट। तो ये चीज़ों को इंक्रीज करो, अपने स्किल लेवल को, कम्युनिकेशन पे वर्क करो, राइट, इन चीज़ों पे आपको प्रॉपरली ध्यान देना है, ठीक है। अब सेफ कैसे रह सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जनरली बहुत सारे जो इकोनॉमिकली बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, राइट, जैसे अंकुर वारिकू हैं, अक्षत सर है, राइट,
वो लोग क्या बताते हैं ओवरऑल कि आपके पास इमरजेंसी फंड तो जरूर होना ही चाहिए इस टाइम पे। इमरजेंसी फंड क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपये पर मंथ है तो एटलीस्ट आप 1,20,000 मतलब सिक्स मंथ का पैसा जो है एक सेफ जगह जरूर रख दो। इमरजेंसी फंड रखना जरूरी है, मैंने अभी रखा था, मैं आपको रिकमेंड करूँगा जनरली। अगर आप फ्रेशर हो तो ये आपके लिए अच्छे से नहीं है, पर अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो, क्योंकि कभी नहीं पता, लेऑफ्स कभी भी हो सकते हैं कंपनी में, ठीक है। दूसरा है डाइवर्सिफाई योर इनकम। डाइवर्सिफाई इनकम मतलब है कि आप एक साइड हसल शुरू कर सकते हो, यूट्यूब चैनल, ब्लॉगिंग, एक फ्रीलैंसिंग भी कर सकते हो, वो चीज़ों पे स्टार्ट कर सकते हो। बहुत लोग नहीं बता रहे हैं आपको, पर बहुत लोगों ने किया है। कोविड के टाइम पे कितने सारे यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुए थे, बहुत सारे लोगों ने इनकम बनाई थी, ठीक है, तो वो चीज़ों को कर सकते हो। और थोड़ा सा कोस्ट कटिंग अपने लाइफस्टाइल में भी कर सकते हो, अगर आप बहुत खर्चा करते हो अमेज़ॉन पे या फिर बहुत सारी चीज़ों पे, राइट, उसको थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे सेफ्टी की बात आती है कि मैं सर सेफ कैसे रहूँ अपनी जॉब के अंदर, अगर मान लो लेऑफ्स हो रहे हैं तो उसमें। देखो सिंपल बात है, बहुत रेयर चांसेस हैं कि आप भी सेफ रह पाएंगे अगर आपका कोई प्रोडक्ट और फीचर कोस्ट कटिंग कर रहे हैं। अगर आपकी कंपनी कोस्ट कटिंग पे आ चुकी है तो बहुत रेयर चांसेस हैं, अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस भी हुई तो हो सकता है कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, मतलब आपको भी यस लेऑफ किया जा सकता है, तो ये भ्रम नहीं है। आईटी कंपनीज में ना एक बहुत फेमस कहावत है कि कंपनीज किसी की नहीं होती, ठीक है, कंपनी किसी की नहीं होती है, बहुत वो बहुत बड़ी और बहुत अजीब सी कहावत बहुत फेमस है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको दिल तो नहीं लगाना है अपनी कंपनी से, ठीक है, हो सकता है वो कल भी फायर कर दे। इमरजेंसी फंड रखो, स्किल्स पे काम करो, ठीक है, इन चीज़ों को प्रॉपरली अगर आप करोगे ना, ट्रस्ट मी, आप सेफ रहोगे इस अपनी कंपनी में। और बहुत सी अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फ्रेशर्स को डीमोटिवेट नहीं होना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डीमोटिवेट मत हो, एक प्लान बना लो, मुझे 10 जॉब्स, 5 जॉब या फिर 2 जॉब डेली अप्लाई करनी है। जो जो ओपनिंग्स हैं अभी भी, बहुत सारी कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं जो हायर कर रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स क्योंकि उनके रन हो रहे हैं, राइट, तो वहाँ पे अप्लाई करते रहो। धीरे धीरे थोड़े टाइम बाद अपने आप अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो जाएंगी और उस समय आप प्रॉपरली कर लोगे, ठीक है। आई होप मिलता हूँ आपको, अच्छा लगा होगा वीडियो के अंदर कि कैसे सेफ रहना है, मैंने आपको थोड़े से टिप्स भी बताए। लाइक करके जरूर जाना और सब्सक्राइब करके तो बिल्कुल 100% जाना, शेयर करना किसी फ्रेंड के साथ अगर आपको लगता है कि इसके अंदर एक प्रॉपर वैल्यू आपको मिली है, ठीक है। मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सीखना चाहते हो, API टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन, लाइक और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर।